भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हर चीज में हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है, देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज मिलते हैं नेता लोगों से, पूछते हैं, सोचते भी है, लिखते भी है, हर चीज करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का ये हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, देश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से, देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में? बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने, प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 TMC पानी बहते हैं, आज तक देश ने सिर्फ 22,000 TMC ही इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं, क्यों होते होने लगते हैं? बिजली 4 लाख मेगावाट के ऊपर बिजली की उपलब्धि देश में है, लेकिन देश को, किसानों को भी, आम लोगों को भी, उद्योगों को भी, हर किसी को भी बिजली के लिए तरसना पड़ता है। क्यों तरसना पड़ता है? जिन चीजों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है, फिर क्या किया जा रहा है इस देश में?